ध्यान से सुनो मेरे भाई लोग, मुझे पता चल चुका है ब्राजीलियन प्लेयर्स कैसे अपना सेंसिटिविटी को परफेक्ट करते हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? डेजर्ट ईगल, इस गन का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा और कितने सारे प्लेयर्स का फेवरेट गन भी हो सकता है। जब भी हम कस्टम खेलते हैं, चाहे 1v1 हो या फिर 1v4, अगर आपका सही सेटिंग बन गया तो भाई आपको हराना नामुमकिन है। बस आपको कैसे अपना सेटिंग्स को एक्यूरेट बनाना है जानना होगा। चलो आज उसी चीज में बात करते हैं। और सुनो, इन तक वीडियो देखोगे तो आप लोग का कुछ इस तरीके का हेडसेट लग जाएगा। देखो, हर एक प्लेयर्स के पास अलग अलग डिवाइस होता है, जैसे कि सैमसंग, रेडमी, पोको, वीवो, आरओजी, रियलमी एंड आईफोन। अब हम कैसे अपना सेंसिटिविटी को परफेक्ट कर सके, चलो आज इसी टॉपिक पे अपने डिवाइस के हिसाब से सही सेंसिटिविटी को ढूंढते हैं। देखो, हर एक मोबाइल में काम करेगी ये वाली ट्रिक, बस आपको खुद सेटिंग्स को बनाना होगा। मैं एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से सुनो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग को बिलीव नहीं लगता ना भाई, मेरा ऐसे ही नहीं होता भाई, इतना हेडसेट रेट देख सकते हो, मेरा 85% हेडसेट रेट है। कई बार अभी मैं खेल रहा हूँ लिमिटेड कस्टम रूम, जिसपे मेरा स्क्रीन वगैरह होता है, उधर में पूरा फायर करना होता है जैसे भी मारो, इसके वजह से घट गया है। लेकिन आप लोग का 90 से ऊपर तक रहेगा अगर आप लोग ये ट्रिक जानोगे तो। तो चलो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सबसे पहले शुरू करते हैं सेंसिटिविटी से। तो मेरा मोबाइल का सेंसिटिविटी ये है, देखो 52 जनरल पे खेलता हूँ, रेड डाटे 73, कभी कभार 63 पे भी खेलता हूँ, ठीक है। तो इसको पहले मैं एक बार स्क्रीनशॉट करके रख देता हूँ, क्योंकि मेरे को बाद में यही सेटिंग चाहिए, क्योंकि ये सेटिंग मेरा परफेक्ट सेटिंग है, ठीक है। तो आज हम कैसे डेजर्ट ईगल का परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढ सकते हैं, मैं वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखो, सेंसिटिविटी में आने के बाद आप लोग को सबसे पहले इधर से रीसेट कर देना है दोस्तों, रीसेट कर देना है, ठीक है। और रीसेट करने के बाद आप लोग को करना क्या है कि हर एक के डिवाइस पे, अब मतलब किसी का 65 दिखाया होगा, किसी का 90 दिखाया होगा, किसी का 100, किसी का 40 से भी कम दिखाया होगा जनरल सेंसिटिविटी रीसेट करने के बाद, लेकिन कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। तो अभी मेरा इधर दिखा रहा है 40 का जनरल सेंसिटिविटी, ठीक है, 40 का जनरल सेंसिटिविटी दिखा रहा है। तो इसमें हमें कैसे कैसे क्या कुछ करके बढ़ाना है, आप लोग ध्यान से सुनो पहले। तो सबसे पहले हमें बढ़ाना है, 10 बढ़ाना है, ठीक है, 10 बढ़ाना है आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ 10 बढ़ा के एक बार चेक कर लेना है। ओके, चलो मैं एक बार 10 पे खेल देता हूँ, ठीक है, 10 बढ़ाता हूँ, 40 से 50 कर देता हूँ। 50 जनरल सेंसिटिविटी रखने के बाद, अब मेरा तो 40 था इसलिए मैंने 10 प्लस करके 50 किया, अगर आपका 65 था, 90 था, तो आप लोग 10 प्लस करके एक बार उस पे चेक कर लेना है, ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाके या फिर कहीं कस्टम खेल के, ठीक है। तो आप लोग को आसानी होगी, मैं 50 का जनरल इसी सेंसिटिविटी में एक गेम खेल के दिखाने वाला हूँ। चलो, आप लोग ने देख लिया 50 पे भी मेरा हेडसेट लग रहा है, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ हूँ दोस्त, क्योंकि अभी भी मेरे को उतना ज़्यादा हेडसेट नहीं मिला है जितना मैं डिजर्व करता हूँ, जितना मेरे पास इसके लिए, उतना ज़्यादा हेडसेट अभी तक मेरे को नहीं मिला। तो मैं और भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ दोस्तों। इसी के चलते आप लोग को सेकेंड टाइम पे क्या करना है, सेकेंड टाइम पे आपको 15 प्लस कर देना है, ठीक है, 15 प्लस कर देना है, जैसे 50 था, 15 प्लस करके 65 कर दिया मैंने। और चलो, 15 प्लस करने के बाद कैसा गेम प्ले होता है देखते हैं। If only we could.
देखो भाई 50 में जितना हेडसेट लगा उससे भी अच्छा हेडसेट 65 पे लगा है, वो भी डिजर्ट ईगल का। एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे ही मैं सेंसिटिविटी बढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से मेरा गेम प्ले भी चेंज होता जा रहा है। आप लोग को स्क्रीन में देखने को मिला ही होगा वीडियो, जैसे कि हमने 50 जनरल सेंसिटिविटी में मेरा कैसा गेम प्ले था और 65 पे कैसा है। तो बस आपको फिर से क्या करना है, आप लोग को थोड़ा सा 10 बढ़ा देना है, ठीक है? 10 बढ़ा के 75 हो गया मेरा, 10 बढ़ा देना है और देखना कैसा होगा। अब ना आप लोगों को खुद फाइंड करना है आपका कितने में हेडसेट लग रहा है। हम जाएंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को कितना कितना प्लस करना है। फर्स्ट पे 10 प्लस करना है, सेकंड पे 15 प्लस करना है और थर्ड पे फिर से 10 प्लस करना है और उसके बाद जाके आप लोग को 12 प्लस करना है। दोस्तों 75 हुआ था, अब इसको 12 प्लस करके 87 कर देते दोस्तों, 87 हो गया। चलो 87 में कैसा गेम प्ले होता है चलो देखते एक बार। Life is a game and I don't feel like playing. All of the love that I get is just fame. Searching for dreams but it's hard to explain it. What is the meaning of my self-adoption? I'm so codependent that I'm going downhill. I'm watching the blood dripping down from the fountain. The place where we met, now I feel like I'm drowning. I can't live alone, not on my own. Wasted the time that we had, now you're ghost. I do not know, I cannot cope. I take the pills and decide where I go. I need support but keep it on the low. You hurt me, I'm bleeding, crying, I flow. Where do I go? Where do I go? My lack of joy, it equates to my hope. हेडसेट लगना हेडसेट ना लगना वो डिपेंड करता है अपने में भी, ठीक है? अगर आप लोग सिर्फ सेंसिटिविटी मिलाते हो और हेडसेट मार नहीं लग रहा है तो भाई आपको मारना नहीं आता, वो बात भी हो सकता है भाई, आप लोग को प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत सारे ब्राजीलियन प्लेयर भी ऐसे ही ढूंढते थोड़ा थोड़ा प्लस करके ही अपना सेंसिटिविटी एकदम परफेक्ट कर लेते हैं। चलो 87 में नहीं हुआ तो देख थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अभी जाएंगे हम 101 पे। आप लोग देखो 101 पे कितना होगा। अभी तक आप लोग का परफेक्ट सेंसिटिविटी हो चुका है तो भाई सारे बंदे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। किस तरीके से सेंसिटिविटी ढूंढते हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बस आप लोगों को करना होगा फॉलो दोस्तों। और इस पे भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे दोस्तों, ये लास्ट, ठीक है? इसके बाद ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर हमारा दिक्कत हो जाएगी। और 126 हो गया। चलो जनरल सेंसिटिविटी हमारा हो गया दोस्तों, अब हम बात करेंगे रेड डॉट सेंसिटिविटी भी कैसे मिलाना है। रेड डॉट का उतना ज्यादा लेना देना तो नहीं है, लेकिन दोस्तों रेड डॉट का काम है, जब आप लोग स्टेट ड्रैग करते हो तो भाई कहीं ना कहीं रेड डॉट भी काम करता है, मेरे को ऐसा फील होता है। जब भी मैं रेड डॉट को जीरो रखता हूँ उस टाइम में मेरा उतना ज्यादा हेडसेट नहीं लगता, जब मैं थोड़ा सा परफेक्टली अपने आप को मतलब परफेक्ट सेंसिटिविटी बनाकर रखता हूँ रेड डॉट को, उधर जाके मेरा हेडसेट लगता है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा चीज मैटर करता है दोस्तों हेडसेट कनेक्ट होने में और नहीं होने में, मतलब कि एक्यूरेट एम होने में। तो चलो अभी ये चीज सारा कुछ हम एम के लिए कर रहे हैं दोस्तों, जब आपका परफेक्ट सेंसिटिविटी होगा अपने आप एम भी सही होगा। तो अभी थोड़ा सा बढ़ाएंगे 85 कर देंगे, जैसे कि 75 आया था हमें तो इस पे भी 10 को प्लस कर देंगे 10, और 10 प्लस करने के बाद अच्छा ही होगा शायद से। आप लोग भी 10 प्लस कर देना, बाकी स्कोप वगैरह तो आपका मर्जी से रख सकते हैं, चाहे 200 रखो चाहे 0 रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना कुछ करने के बाद भी आप लोग का हेडसेट नहीं लग रहा है तो भाई आप लोग को ड्रैग करना नहीं आता। अगर आप लोग को ड्रैग करना ही सच में नहीं आता तो दोस्तों मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, नेक्स्ट वीडियो में हैंड कैम के साथ ड्रैग कैसे करते वो बना के लेके आऊंगा। अगर आप लोग को अभी तक वीडियो देखने मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो सारे बंदे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, डीजल डीगल में परफेक्ट बन जाओ दोस्तों। तुम्हें हराना किसी के बस की बात नहीं है,
अपने आप को मोटिवेट करो, अपना गेम प्ले सुधारो, सारा कुछ अपना ही करो और मेरे साथ लाइव पे ज्वाइन भी हो सकते हो। सारे बंदे को पता ही होगा अब से मैं किक पे लाइव करने वाला हूँ, यूट्यूब पे लाइव नहीं करने वाला। तो जितने भी बंदे मेरे लाइव में आके लाइव टेस्ट देना चाहते, गिल टेस्ट वगैरह हो गया, गिव अवे में पार्टिसिपेट करना या फिर मोबाइल के हिसाब से सेंसिटिविटी जानना हो, भाई सारे चीज के लिए आप लोग को अब किक में आना होगा, क्योंकि अब से हम किक पे लाइव करेंगे, यूट्यूब पे लाइव नहीं आएंगे। दोस्तों इस वीडियो का कमेंट पे मैं किक का लिंक डाल दे रहा हूँ दोस्तों पिन करके, सारे बंदे उसी लिंक से आ सकते हो।